नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आप जो देख रहे हैं प्राचीन सिद्ध गुफा पाताली हनुमान मंदिर, कारगिल पार्क, सीपरी बाज़ार झांसी में बना हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आज हम मार्केट संवाद चैनल पर अपडेट दिखाते हैं आपको, क्योंकि अब भगवान का ही सहारा रह गया है कि लोग मान नहीं रहे हैं, बेवजह घर से निकल रहे हैं। तो हम भी भगवान से प्रार्थना करने आए हैं, वहाँ अब आप सबको दर्शन भी कराने आए हैं, क्योंकि अब भगवान की ही शरण में हैं। लोग तो मान नहीं रहे हैं, बेवजह निकल रहे हैं घर से, बिना मास्क के भी निकल देते हैं। ये प्राचीन सिद्ध गुफा पाताली हनुमान मंदिर है, आइए हम आपको अंदर लेकर चलते हैं, दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं, आपने अगर झांसी में नहीं देखा हो पाताली हनुमान का मंदिर गुफा है, जो आज हम दिखाते हैं मार्केट संवाद चैनल पर। क्या करें, मजबूरी है, लोगों को समझा कर हम थक गए हैं, तो हमने सोचा भगवान के शरण में चले जाएं, जिससे भगवान ही कोरोना से बचा सकता है। इंसान तो नहीं सुन रहा है इस समय, उसको हम बहुत अपील कर रहे हैं मार्केट संवाद चैनल से लोगों को, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। आप देख सकते हैं पुजारी महाराज इतने बुज़ुर्ग हैं, फिर भी अकेले हैं और मास्क लगाए हुए हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर लोग नहीं माने तो भगवान किसी न किसी को सद्बुद्धि देकर मनवा ही लेंगे, जैसे कि आज योगी आदित्यनाथ ने, जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने एक आदेश दिया है कि जो बिना मास्क के रोड पर नज़र आएगा वो 1,000 रुपये उसका जुर्माना लिया जाएगा, अगर दोबारा निकला तो 10,000 रुपये जुर्माना है। अब आप 10,000 देना चाहते हैं या 1,000 देना चाहते हैं आप, या बीमारी से ग्रस्त होना चाहते हैं, तो मत लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, आप के ऊपर है, जैसा आप उचित समझें। दूसरा, 8 बजे से सुबह 7 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, आज से झांसी में लगेगा, क्योंकि समय बदल दिया गया है, कोरोना तबाही मचा रहा है झांसी में। और एक और आदेश हुआ है, कि संडे में पूर्ण लॉकडाउन लगेगा, हर संडे में, उस संडे को सैनिटाइज किया जाएगा पूरे सड़कों को, बाज़ार को। ये आप देख रहे होंगे, पंडित जी बता रहे हैं कि अनुष्ठान किया गया कोरोना महामारी को नाश करने के लिए, आज से अनुष्ठान किया गया। क्या हुआ महाराज, आज अनुष्ठान प्रारंभ किया है, लोगों को सद्बुद्धि आवे, बिना मास्क के बाहर ना निकले और अपना जीवन बचाएं, दूसरों को भी बचाएं। तो किस चीज का अनुष्ठान हुआ है? अनुष्ठान कोरोना शांति के लिए, बहुत इसकी भीषणता समाप्त हो, और जब जब हनुमान जी का श्रृंगार किया है तब तब भीषणताएं कम हुई हैं, ये तो रिकॉर्ड रहा है। और आज भी उम्मीद है कि श्रृंगार होते ही अपने आप कोई ना कोई कमी सप्ताह में 15 दिन में जल्दी आ जाएगी और बचेंगे लोग। तो ऐसा होता है, अनुष्ठान होता है, सदैव होता है, जब जब किया है तब तब लाभ मिला है। तो मतलब साल भर से कर रहे थे, तब फिर लौट के काय आ गया जी? अब ये बीमारी है, घातक है, लौटे आई है लोगों की लापरवाही से, भक्तों को भी इसमें सहयोग देना चाहिए, कथा कराते हैं तो प्रसाद। अच्छा, उस समय जो अनुष्ठान किया था उस समय लाभ मिला था लोगों को? सबसे पहले हनुमान जी को झांसी में मंडल में सबसे पहले मास्क बांधा गया था, ये कहना है आपका जी। अब क्या है कि थोड़ा सा लापरवाही हो गए हैं लोग बाग, तो अब फिर जो देखते हुए फिर अनुष्ठान किया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, फिर शांति मिले, सुख शांति मिले, होता भी है ऐसा, भगवान सबको सद्बुद्धि दे, इसी के लिए अनुष्ठान किया जा रहा है। मंडल धर्माचार होने के नाते मेरा प्रथम कर्तव्य है कि मंडल का कार्यक्रम यहीं से प्रारंभ हो और सभी जिलों में इसकी आवाज पहुंचे और हनुमान जी महाराज सबको सद्बुद्धि दे। भाई, ये सद्बुद्धि के लिए अनुष्ठान किया जा रहा है, जिससे लोग मास्क लगाने लगें और बेवजह घर से ना निकलें, अभी उनका दिमाग काम नहीं कर रहा तो अभी लापरवाही कर रहे हैं, ऐसा ही है ना महाराज?
ऐसे यही इसीलिए कर रहे हैं ना। बुद्धि शुद्धि अनुष्ठान। हाँ, मार्केट संवाद की रिपोर्ट झांसी।